राहुल जल्दी चलो गाड़ी में बैठो। चलो पांच महीने बाद इस पानी के बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी में अभी 4 महीने 2 हफ्ते और 2 दिन बाकी हैं। तब तक तुमसे ये भी नहीं कह सकता मोबाइल फोन रख लो, रोज बातें करेंगे, क्योंकि तुमको ये सही नहीं लगेगा। हाँ, दिन भर नेट पर तुमसे चैट करना तो दूर रहा, इसलिए शरीफ लड़कों की तरह तुम्हें चिट्ठियां लिखूंगा। और हाँ, मुनीम जी के उस काले फोन के ऊपर तुम्हें फोन करूंगा। सुनो, बर्फ वाली चीजों से दूर रहना। अभी अभी सर्दी ठीक हुई है। और ठंडा पानी भी नहीं। और कुछ? गुड मॉर्निंग मारिया आंटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेम, तुम्हारा प्रमोशन हो गया फैक्ट्री से ऑफिस में। थैंक यू। और ये देखिए, मैं आपके लिए सोम सरोवर के उद्यानों से स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक अंगूर लाया हूँ। मुझे आशा है कि आप इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कर काम नहीं अटकना मंगता। हिंदी भाषा वेरी काइंड लैंग्वेज, कोई भी दूसरा लैंग्वेज का वर्ड यूज कर लो। आंटी, स्वीकार करके प्लीज अब्लाइज। ओह, थैंक यू। दैट्स द वे प्रेम, फर्स्ट इन द ऑफिस शार्प एट 9 AM। तेरी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है, अब काम, सिर्फ काम। कॉन्सेंट्रेट, फोकस। मुनीम जी, विवाह की तैयारियां आज से ही शुरू कर देनी है। आप जोशी जी के यहाँ चले जाइए और टेंट वालों को सारा काम समझा दीजिए। बेहतर। अच्छा, बारात धर्मशाला में नहीं बंसीलाल जी के होटल में ठहरेगी। जी। बिरजू, ये काम तेरे जिम्मे रहा। जी, हो जाए। देखो भाई, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और बिट्टो, तू भी मेहमानों की लिस्ट कंप्यूटर पर जल्दी तैयार कर ले बेटा। घर की पेंटिंग का सारा काम वक्त रहते पूरा हो जाना चाहिए। ईश्वरी जी, शादी किसी हॉल से नहीं घर से हो रही है। हाँ, बारात दिल्ली से आएगी, दिल्ली से सब हो जाएगा। जी आइए आइए, उधर भी देख लीजिए। आओ आओ आओ, कॉलेज से आ गई तुम लोग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इन चांदी के सिक्कों में से बताओ कि तुम्हें कौन सा पसंद है। मैं चाहता हूं कि हर बाराती को एक खास भेंट दी जाए। मुझे जीजी की पसंद पता है, ये।
अरे वाह, मुझे भी यही पसंद है। तुम भी अपनी पसंद बता रहा माँ। मुझसे क्या पूछ रहे हो? चाहो तो सब दे दूँ। माँ तुम हमेशा ऐसे क्यों बात करती हो? बाऊजी तो सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। खबरदार जो मुझसे इस लहजे में बात की तो। बेटा, तू भी जा बेटा, अपना काम कर। जिस तरह की शादी का सपना तुम देख रहे हो, कुछ अंदाजा है इसमें कितना खर्च होने वाला है? हाँ, अंदाजा है। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को नौता भेजा जा रहा है जिनसे हम बरसों से नहीं मिले। हलवाई, शहनाई वाले, फूल वाले दूर दूर से बुलाए जा रहे हैं, जैसे और कुछ नहीं, बस यही एक शादी रह गई है तुम्हारे लिए। भैया भाभी का हर सपना पूरा होगा रमा। हाँ, तुम्हें तो बस भैया भाभी और उनका सपना याद है, खुद की बेटी का भी ब्याह करना है वो क्यों याद रहेगा? छोटी के लिए इन दिनों कितनी जगह बात चलाई है, पर उसके सांवलेपन के वजह से कहीं बात नहीं बन पा रही। उस पर उसकी शादी में देने लायक कुछ भी नहीं बचा, तो हो चुकी है उसकी शादी, पर ये सब तुम क्यों सोचोगे? पूनम की शादी के लिए सोम सरोवर का मकान तो गिरवी रख ही दिया है, चाहो तो ये घर भी बेच डालो। कौन? बिट्टो? अरे क्या हुआ बेटा? मैं शादी नहीं करूंगी चाचा जी। बिट्टो क्या बात क्या हुई बेटा? इधर आ, यहां बैठ तो, बैठ जरा। क्या बात है बेटा? चाचा जी, चाचा जी, सोम सरोवर के मकान की एक एक ईंट आपने खुद अपने सामने लगवाई थी इस शादी के लिए, आपने उसे गिरवी रख दिया। अभी छोटे की शादी होनी है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। छोटी की शादी भी इसी धूमधाम से होगी, मैं वचन देता हूं। बेटी का ब्याह हर पिता के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है बेटा। मुझे अपने अरमान पूरे करने नहीं देगी बेटा? अच्छा सुन, आज हरिश्चंद्र जी की चिट्ठी आई है, सुनेगी? एक सेकेंड। लिखते हैं, हम सोम सरोवर में साथ साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। मधुपुर में समधी बने, सोम सरोवर में दोस्त बन गए। रिश्तों में इतनी जल्दी प्रमोशन, इसका सारा श्रेय आप द्वारा दिए गए अपनेपन को जाता है। मैं आपका नेचर जानता हूं, इसलिए दावे से कह सकता हूं कि आपने शादी की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी होंगी। बेटी की शादी में हजार जिम्मेदारियां होती हैं, किसी तरह की चिंता मत कीजिएगा, आप और हम अलग नहीं हैं। बिट्टो, जिसके इतने अच्छे संबंधी हों, उसे किस बात की चिंता? हाँ, चल अब जरा मुस्कुरा दे। हाँ, तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। आज की डाक में शायद एक चिट्ठी तेरी भी है। बिट्टो, कोई दूर बैठा तेरे इंतजार में सपने बुन रहा है, बस तू उनमें रंग भरती जा।